ये शाही मसाले की इंग्रेडिएंट्स हैं। इस मसाले को इस्तेमाल मिलाकर मटन को दीजिए एक शाही सा टेस्ट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस शाही मसाले की रेसिपी। ये शाही मसाले की इंग्रेडिएंट्स हैं। इस मसाले को इस्तेमाल मिलाकर मटन को दीजिए एक शाही सा टेस्ट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस शाही मसाले की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान। मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ खुद की बनाई हुई शाही मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस मसाले को आप यूज़ करके चिकन या मटन करी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना सकते हैं। आप इस मसाले को एक बार यूज़ कीजिएगा तो इंशाल्लाह इस मसाले को आप बार बार यूज़ कीजिएगा। बाहर से आप चिकन या मटन की करी के जो मसाले लेते हैं वो आप बिल्कुल लेना बंद कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इस मसाले को बनाने में क्या क्या चाहिए। ये है 30 ग्राम, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये 30 ग्राम पोस्तो दाना है, बिल्कुल फ्रेश है ये। ये 10 ग्राम मगज़ है, चार मगज़ बोलते हैं इसे, सॉरी 50 ग्राम है ये, चार मगज़ है ये, चार मगज़ 50 ग्राम है। और ये काजू है 50 ग्राम, और खसखस बोलते हैं इसको, खसखस भी बोलते हैं, पोस्तदाना भी बोलते हैं, ये 30 ग्राम है। ये 30 पत्ता है, 3 जावित्री है, वाइट गोल मिर्च है, ये सादा गोल मिर्च बोलते हैं इसकी, बहुत इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये दालचीनी है, 10 ग्राम है ये, वाइट गोल मिर्च जो है ये भी 10 ग्राम है, इलायची है ये भी 10 ग्राम है, लौंग है 5 ग्राम है, ये जायफल का टुकड़ा है इतना लेना है, ये आधा जायफल का टुकड़ा है, एक में से आधा है, ये 6 बड़ी इलायची है। सबसे पहले इस मसाले को रोस्ट करना है एक तरफ में, पैन चढ़ा दी गर्म होने के लिए। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे दालचीनी। दालचीनी को नहीं हो सके तो इसको तोड़ लीजिए, बड़ी बड़ी दालचीनी ऐसे इसको टुकड़ा कर लेना है इस तरह से। अभी इसमें डालना है लौंग इलायची, तेज़पत्ता, इस सब मसाले को डाल देना अच्छे से। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है, उसके बाद ही मसाला यूज़ करना है, बाद अभी इस मसाले को नहीं डालना है। ये जो है इसे एकदम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट, 3 मिनट हो चुका है देखिए। अब इसमें इस खसखस को, 4 मगज़ काजू को भी डाल देना है। बस इसे 2 मिनट तक भूनना है। इस मसाले से आप करी बनाइएगा तो आपका करी जो होगा बहुत ही टेस्टी होगा, चाहे वो चिकन का हो या मटन का हो। नीचे से भून गया है, अब फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। इस मसाले से मटन की करी या चिकन करी कब बनाएंगे, इसे यूज़ किस वक्त करेंगे, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आप लोग से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। पहले आप इस मसाले को बना कर रख लीजिए। ठंडा हो गया है, इसे बारीक पीस लेना है। ये बहुत ही अच्छा से पिस गया ये। इस तरह से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इस मसाले को बना के रख लीजिए। ये शाही मसाला 2 से 3 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं, इसे ज़्यादा मत बनाइए क्योंकि ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट भी है, जैसे कि आपका काजू हो गया, खसखस हो गया, चार मगज़ भी ड्राई फ्रूट में ही आता है,
इसलिए इसे ज़्यादा मत बनाइए, थोड़े से बनाइए, थोड़ा सा बनाइए, फ्रेश बनाइए, यूज़ कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।